I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. तो गाइस आज हम राहुल के साथ और राहुल ने ली है i10 ग्रैंड i10 नियोस और राहुल से जानते हैं कि इनकी गाड़ी का मेक मॉडल और ईयर क्या है। तो ये अभी मैंने ली है 2 महीने पहले और ये है ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स मॉडल ऑटोमेटिक में इसमें AMT है तो ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। सो आपने यही कार क्यों चूज की, द बाइंग डिसीजन क्या रहा आपका उस टाइम पे? हमारा वैल्यू फॉर मनी थी प्लस ये एक अच्छी गाड़ी लग रही थी फैमिली के लिए, मदर के लिए। तो ये आपने फैमिली कार ली कि मदर के लिए ली है? ये मदर के लिए। ठीक है, इसमें कुछ वेटिंग पीरियड था कि जैसे नॉर्मली Hyundai वाले रखते हैं? एक महीने का था क्योंकि इसका स्पोर्ट्स मॉडल ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं होता डायरेक्ट ऑन द गो, बट वो 1 महीने की वेटिंग पीरियड पे आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आपने ये कैसे मतलब फाइनेंस कराई थी कि कैश ली थी? ये कैश ही थी, मम्मा का एक्चुअली रिटायरमेंट हुआ था तो उनका मन था कि हाँ मैं इन पैसों से कुछ अच्छा खरीदूँ, वो अपने लिए अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। ये ऑन रोड कितने की पड़ी? चंडीगढ़ नंबर है ये? चंडीगढ़ नंबर है। कितने की पड़ी आपको ये ऑन रोड? ऑन रोड ये कुछ तकरीबन 7-7.5 के करीब। ठीक है, 7.5। तो आपने लोन तो लिया ही नहीं है? नहीं नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा Hyundai के साथ? Hyundai की आपकी पहली गाड़ी है? हाँ जी, ये Hyundai की हमारी पहली गाड़ी है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था उनके साथ। उनका मतलब बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का सारा एक्सपीरियंस एकदम A1 रहा। आउट ऑफ अगर 0 to 10 आप रेट करने को कहो तो मैं उनको समवेयर अराउंड 9 to 10 के बीच में करूँगा। कुछ डीलर डिस्काउंट वगैरह मिला था आपको? हाँ, डिस्काउंट उन्होंने काफ़ी अच्छा दिलवाया था तभी उनका 10 रेटिंग जा रही है। ठीक है, तो ये किससे लिया आपने? जोशी Hyundai से? जोशी Hyundai चंडीगढ़ या मोहाली? चंडीगढ़। ठीक है, तो जो आपका सेल्स कंसल्टेंट था उसने आप लोगों को पहले बताया था, कन्विंस किया था कि AMT लेनी चाहिए या नहीं? एक्चुअली सेल्स कंसल्टेंट्स की तरह वो मैनुअल के लिए फोर्स कर रहा था? नहीं नहीं, वो हम लोग अपना पहले से ही डिसाइडेड था हमारा कि मम्मा ऑटोमेटिक ही चला पाएंगी, तो हम लोग AMT की तरफ ही थे स्टार्टिंग से, Day 1 से। तो उन्होंने एज सच हमें कुछ मैनिपुलेट नहीं किया बल्कि हमें सपोर्ट किया और सही इसका मॉडल जैसे स्पोर्ट्स मॉडल था वो अच्छा गाइडेंस करते हुए। तो स्पोर्ट्स ही क्यों लिया आपने, मतलब एस्टा भी ले सकते थे आप, ये स्पोर्ट्स ही टॉप है इसमें? नहीं, इससे ऊपर एस्टा एक और है जिसमें आपका एक 50,000 का कुछ का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फीचर्स उसमें कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंस था नहीं। ठीक है, और ये वैल्यू फॉर मनी भी? वैल्यू फॉर मनी लग रही थी मुझे तो, बेस्ट एक तरह से आप कह लो कि जोशी वालों की तरफ से एक बेस्ट गाइडेंस भी मिली कि हाँ जी आपने अगर जैसे मम्मा के लिए लेनी है तो बेस्ट। ठीक है, आपने मार्केट से क्या क्या लगवाया बाद में खरीदने के बाद? खरीदने के बाद इसका वैसे तो सारे फीचर्स वगैरह बीच में आए थे इसके इनबिल्ट, लेकिन मैंने बाद में मैट सीट कवर्स और स्टेयरिंग कवर लगवाया था। ठीक है,
तो लगभग कितना खर्चा हो गया था आपका इसमें? ये जो एक्सटर्नल चीज़ें एक्सटर्नल लगवाई चीजें लगवाई हैं आपने? ये 10 से 12 हज़ार। ओके ठीक है। और आप एक ऐसी क्या चीज मिस करते हैं इस गाड़ी में कि आप ये समझते हैं कि वो होनी चाहिए थी जो अपनी गाड़ी में नहीं है? एक चीज़ अगर आप पूछे तो वो है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल इसमें मिसिंग है। हाँ, एक हद तक हम कह सकते हैं कि मेरा वो जो इसमें होता है कार प्ले, कारप्ले, वो एप्पल कारप्ले, एप्पल वो वायर्ड है कारप्ले ना? वायर्ड है इसमें, वो चलो उसको किसी ना किसी तरह कमी पूरी हो जाती है वायर से, लेकिन हाँ वायरलेस होता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है। इसमें वायरलेस चार्जर भी है? वायरलेस चार्जर नहीं आया इसमें। ओके। तो एनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, क्या आप रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी अपने हाँ, फैमिली रेकमेंड फ्रेंड्स को? करूँगा मैं डेफिनेटली, बिकॉज ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, स्मूथ टू ड्राइव है, अच्छी माइलेज दे देती है, प्लस काफ़ी स्मूथ रहती है ये तो करके। माइलेज कितना दे रही है ये सिटी में? ठीक ये सिटी में 12 से 13 का एवरेज दे देती है। हाँ है। तो जी, अभी ये लेकिन 10 का दे रही है तो हाँ अभी तो नई गाड़ी है, मम्मा अभी सीख रहे हैं तो करके ये थोड़ा सा कम देती है, वरना नॉर्मली बाकी जब मैं ड्राइव करता हूँ इसे तो ये 12-13 के प्लस चली जाती है। ठीक है। इसकी अच्छा, सर्विस हो चुकी है? हाँ पहली सर्विस हो चुकी है 1,000 किलोमीटर पे, अभी तक ये 1,650 चली है, तो तो अभी दूसरी सर्विस कब है इसकी? दूसरी सर्विस मेरे ख्याल से अभी 5,000 किलोमीटर पे होगी। 5,000 रुपये? 5,000 रुपये क्या वो ऑयल वगैरह चेंज करेंगे इसका? नहीं मुझे नहीं लगता, अभी वो 10,000 पे होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सर्विस में तो केवल वॉशिंग करी होगी आपने, वॉशिंग और नॉर्मल चेकअप। तो पिक एंड ड्रॉप किया था उन्होंने या आप अपनी गाड़ी खुद लेके गए थे? नहीं खुद लेके गया था मैं, साथ में ही वहीं पे खड़े होके करवाई थी। ऑफर किया था उन्होंने? हाँ उन्होंने ऑफर ज़रूर किया था, प्लस अपना आराम से अपना बैठ जाओ वेटिंग लाउंज में, एसी वेटिंग लाउंज था ठीक। तो, लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा तो इसलिए मैं जल्दी हाथों हाथ करवा के बस आ गया था। बढ़िया बढ़िया। तो हाँ आप जी, रिकमेंड करते हैं गाड़ी बाकी फैमिली डेफिनेटली फ्रेंड्स को? डेफिनेटली। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि ये मतलब जो इग्निस हुई, मारुति की मतलब गाड़ियां हैं जो हाँ स्विफ्ट है, इग्निस है, उससे थोड़ा इसका माइलेज कम है? हाँ वो कह सकते हैं आप, लेकिन मतलब AMT है, AMT में फिर आप वो माइलेज नहीं देख सकते ना, AMT तो AMT है। ठीक है। तो AMT में आपने और कौन कौन सी कंसिडर करी थी और कंपनीज की गाड़ियाँ? और एक्चुअली ये मतलब फैमिली एंड फ्रेंड से, बाकियों से भी, जैसे आज मैं रेकमेंड कर रहा हूँ किसी को, मेरे को भी पहले किसी ने रेकमेंड करी थी ये गाड़ी, तो बस उनके उससे मैंने देखी चलाई और सही रहा इसके साथ एक्सपीरियंस, तो यही डिसाइड हो गई थी। ठीक है। बाकी आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करके देखी थी, क्योंकि टेस्ट ड्राइव तो आप काफ़ी करते हो? हाँ टेस्ट ड्राइव हमने करी थी, एक मेरे ख्याल से इसके साथ थी इग्निस थी मारुति की, सेलेरियो, और एक यूटर्न ले लिया। वो था आपका सेंट्रो देख रहे थे। ओके। तो सेंट्रो तो इसकी छोटी बहन है, तो सेंट्रो चला के देखी थी आपने? हाँ, लेकिन मतलब वो वाली बात नहीं लगी थी, फिर वो एक नाम भी पुराना ही है सेंट्रो, इसके तो इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या हैं सौरभ? वही 1200 cc का इंजन है, CC इंजन है। ठीक है। I20 वाला इंजन है। I20 वाला इंजन है। बस ट्रांसमिशन इसमें AMT दे दिया, हाँ और I20 में जो दिया हुआ है वो कौन सा है? CVT, IVT, IVT है वो। ठीक है। बाकी इंजन पावर में कुछ डिफरेंस है? आपने I20 भी चलाई हुई है हाँ जी। तो कुछ डिफरेंस है पावर में, मतलब फील होता है पंच है या नहीं है गाड़ी में? नहीं ऐसा कुछ फील नहीं होता, बाकी नई गाड़ी है, स्मूथनेस मेरे को ज़्यादा अच्छा है लग रहा है। हुंडई की गाड़ी स्मूथनेस हाँ तो काफ़ी होती है, इंजन नॉइज़ वगैरह जो NVH लेवल है इनका हाँ बहुत जी, कम होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी होती हैं। बाकी जो पेट्रोल इंजन हैं वो तो बेस्ट तो मेरे ख्याल से मारुति के हैं, हुंडई इज़ नोन फॉर इट्स डीजल इंजन। डीजल इंजन्स। ठीक है। तो बाकी ये डीजल वगैरह में तो आती नहीं होगी ये वाली गाड़ी, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं, ये पेट्रोल में ही होती है। पेट्रोल नहीं होगी। ठीक है जी। बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक्स अहेड। एवरीवन।